राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। गुड़हल के फूल पर तीन चार कमियां हो जाती हैं। एक तो इसमें कीड़े का अटैक बहुत जल्दी लगता है, जिससे कि अगर हमारे पौधे पर फूल आना शुरू हो गया है तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरे क्या, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और कई कारण होते हैं कि फूल वगैरह नहीं आते हैं। तो आज मैं इन छोटी छोटी बातों की आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या कारण है ऐसा कि इतनी केयर के बाद भी गुड़हल पे अच्छे से फूल कलियाँ नहीं आते। देखिए, मैं इसके लिए आज एक आपको बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को इसके बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटा सा पॉइंट होता है और वही आप छोड़ देते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। कि देखिए, मैं एक भी अपना आपको दिखवा रही हूँ गुड़हल की, हर एक गुड़हल पे कितनी अच्छे से कलियाँ हैं। और ये सब जो मैं घरेलू फर्टिलाइज़र हमेशा बताती हूँ, इससे फूल भी बड़े हो जाएंगे आपके और कलियाँ भी पूरी भरपूर आएंगी। और ये पत्ती जो है इतनी ज़्यादा ग्रीन, क्योंकि ये पता चल रहा है पौधा कि वो बहुत ही स्वस्थ पौधा है। ये देखिए, मेरे जितने भी गुड़हल हैं सब पे कितने अच्छे से फूल हैं, जबकि सुबह में पूजा में ये फूल तोड़ चुकी हूँ। और ये जो भूले से एक दो फूल रह गए हैं वो उनका वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि कई बार छोटा सा भी पॉइंट होता है वो मिस हो गया तो फिर आप इतनी मेहनत से वो सब करते हैं तो रह जाता है। दूसरे ये है, आप देखिए, मैं हमेशा सुनवाती हूँ अपने गार्डन में चिड़ियों की आपको चहक की आवाज़ कितनी अच्छे से आती है, ये चहकाने की आवाज़। और अच्छे से उन्होंने घोंसले भी बना रखे हैं। ये देखिए, ये लिली का फूल नया है, ये मेरे पास कलर दूसरा आया लिली का। ये चिड़ियाँ अनायास ही मेरा दिमाग अपने ओर खींच लेती हैं, इसलिए बार बार जिक्र करना पड़ जाता है, वेस्ट करते हैं। उसके बाद भी कितने सारे टमाटर, ये सब अब ये लाल होने शुरू हो गए हैं। देखिए, फर्टिलाइज़र का कमाल मैं दिखाती हूँ। ये अमरूद देखिए, तीन तीन के गुच्छों में इस पर कलियाँ आ रखी हैं और हर एक ब्रांच पे ऐसा ही है। ये देखिए, ऐसी अंजीर का हाल है, हर पत्ते पर अंजीर है ऐसे ही। और एक ये देखिए, ये बंदरों ने तोड़ दिया है और थोड़ा सा इलझा है, फिर भी इस पर देखिए कलियों का मार। तो मैं गमले में बस ये थोड़ी सी हम अगर देख रेख करें तो मैं बताती हूँ ना, हर पत्ते के बाद आपको फल मिलेगा। वीडियो लंबी ना करते हुए देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये है फर्टिलाइज़र, इसमें मैंने डाला हुआ है केले के छिलके हैं और आलू के छिलके हैं। इन छिलकों को हमने अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद हमने इसमें मिला दिया कोयले की बारीक राख। राख से क्या होगा, जो इसमें जो कीड़े लग जाते हैं ना पौधों में, उनके जो दांत होते हैं किलकिले होते हैं हो जाते हैं और वो सब उतर जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है, नई नई तुलसी जाई हुई हैं। तो इसको आप छान करके, अगर आपको गमले में डालना है तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे ही इंक्लूड डाल सकते हैं। और अगर आपको इस्प्रे स्प्रे करना है तो आपको इसको छान करके और बोतल में डाल के इसको स्प्रे करें, तो आप देखेंगे कि आपके पौधों का जो निखार है वो डबल हो जाएगा। ये देखिए, पान कितना अच्छे से फिर दोबारा ग्रो कर गया है। ये पुदीना, जबकि इसकी पत्तियाँ मैं डेली यूज़ कर रही हूँ आजकल। और ये देखिए, पानी कितना खूबसूरत रूप ले करके, ये सब इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है, कितना ग्रीन कलर है। ये देखिए, इसी से मेरी गुलदावरी पे कितना फूल आ रखा है, जबकि गुलदावरी पे फूलों का सीज़न नहीं है, ऐसी सब कलर पे आ रखा है, पीला भी आ रखा है। तो ये एक मेरे ध्यान आ गया, तो इसका भी मैंने नज़र कराया। तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें और जितना चाहें उतना अपने पेड़ पौधों पे फूल फल लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ।